इमारत शरिया, फुलवारी के अध्यक्ष की तरह मैं भी फरमान जारी करूं, मैं भी फतवा जारी करूं ताकि हमारी सही सोच हमारी दिशा को अपने तरफ ले चले पूरे शाहू भवन को एक शैक्षणिक हब बना देंगे वहाँ शादी विवाह से जो लोग बच्चे रहते हैं काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं समाज मुझे वोट इसलिए करे कि जो संविधान है संविधान में आज तक संशोधन हुआ नहीं जबकि इसकी कार्यकाल करीब 40-45 साल से ये संगठन चल रहा है हमारे टीम में 18 लोग हैं मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ डॉक्टर उमेश प्रसाद गुप्ता दूसरा उपाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सर्जन तीसरा उपाध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शाह जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं तीसरा श्रीमती शकुंतला प्रसाद पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं चौथा महामंत्री श्री नरेश साहु जो पूर्व पूरा विधानसभा एनडीए का प्रत्याशी रहे उसके बाद कोषाध्यक्ष श्रीमती कंचन गुप्ता जो पूर्व सदस्य पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला जदयू पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला तैलिक साहु सभा बिहार की रही संयुक्त मंत्री श्री कृष्णा प्रसाद निवर्तमान संगठन मंत्री बिहार तैलिक साह सभा के संगठन मंत्री श्री संजय कुमार जो मुजफ्फरपुर से हैं आके श्री अर्जुन प्रसाद गुप्ता जो महाराज से हैं समिति के सदस्य श्री त्रिवेणी शाह जो सासाराम से हैं श्री जवाहर प्रसाद शाह जो दरभंगा से हैं कार्य समिति सदस्य तिरहुत से श्री विजय कुमार जो राष्ट्रपति पुरस्कार भी लिए हुए हैं श्रीमती श्री कार्य समिति के मगध क्या हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी श्री राजेश कुमार हैं जो छपरा से हैं श्री बलराम प्रसाद शाह जो पूर्णिया से हैं कार्य समिति के सदस्य कोसी से श्री दीपक कुमार जी हैं कार्य समिति सदस्य भागलपुर श्री आशीष कुमार श्री रघुबर और श्री सुधीर सिंह सुधीर शाह हैं इतने लोग हमारे टीम में हैं जो हमारे साथ इलेक्शन में उनकी मत भी पड़ेगा और ये मुजफ्फरपुर में किया गया है अठारह तारीख अठारह जून को और ज्ञान भवन में जो गंगा की इस पार के लोग हैं पूरे जिला का ज्ञान भवन में 25 जून को